तो जनता पर दो तरफा मार, महंगाई महंगाई, हिजाब और कश्मीर को लेकर लगाई जा रही टीवी न्यूज चैनलों में सांप्रदायिकता की आग से धधकता देश महंगे हो चुके खोलते तेल से भी ज्यादा उबाल मार रहा है। बढ़ती महंगाई और पीएफ में कटौती देश के लिए आज मुद्दा नहीं है। क्या वाकई पीएफ के ब्याज दर में कटौती आपके अधिकारों पर डाका नहीं है? बुढ़ापे का सहारा छीनने की क्या वाकई साजिश हो रही है? अगर आज आप नहीं समझे तो समझाने के लिए समय नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर में लगभग 73% के करीब बजट लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा हुआ है, मगर फिर भी दिन दहाड़े हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है। तो क्या वाकई में ये नीतियां सरकार के सामने सवाल नहीं बनती? आज कश्मीर को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक फिल्म जिसके बाद कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का जिक्र किया जा रहा है, मगर इस खबरों के शोर के भीतर एक बड़ी खबर आपसे छिपाई जा रही है। महंगाई बेलगाम होती जा रही है, लोगों की आय घटती जा रही है, जनता को राहत देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी पर क्या वाकई खरा उतर रही है? अब कांग्रेस कह रही है कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार ने जनता को सिवाय बेबसी और लाचारी के कुछ नहीं दिया। इनके झूठे जुमलों पर एतबार कर जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और बीजेपी नेता कश्मीर पर बनी फिल्म को देखकर तालियां बजा रहे हैं। जनता आंसू बहा रही है और बीजेपी नेता ताली बजा रहे हैं। चुनाव के बाद ही महंगाई अपना सिर उठाने लगी है। चुनाव खत्म और महंगाई मुंह बाहे खड़ी है। जनता को झटके पर झटका मिल रहा है, लेकिन न्यूज चैनलों पर यह खबर दिखाई नहीं जा रही। लोगों को यह बता और समझा दिया जा रहा है कि उन्हें अब विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रभक्ति का सबूत देना होगा, मगर फिर भी हम हिजाब पर अटके हैं। चाय कॉफी मैगी तक, अब जो मैगी है वो तक मैगी हो चुकी है। बच्चों को मैगी खिलाते ना, वो तक मैगी। एक झटके में 16% तक कीमतें बढ़ी, मगर मीडिया हिजाब पर अटका है। महंगाई के दलदल में फंसकर आम आदमी की जिंदगी बेहाल और मुश्किल हो गई है, मगर चर्चा एक फिल्म पर हो रही है। तो क्या वाकई में सरकार की गलत नीतियों का नतीजा आम जनता भुगत रही है, जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है? एफडी 5.1% नीचे, पीपीएफ 7.1% नीचे, ईपीएफ 8.1% नीचे। महंगाई ने आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। एक तरफ लोगों की आय घट रही है तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में अब लोग पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कहां गए जिसका सपना दिखाया गया। खुदरा महंगाई 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन क्या ये खबरें छिपाई जा रही और क्या ये खबरें बताई नहीं जा रही? आज हालात सवाल खड़े कर रहे हैं। थोक महंगाई 11 महीने से लगातार 10% से ऊपर है। खुदरा महंगाई दर 6.7% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब समझिए कि खाने पीने के सामान के बाद अब आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है। ईएमआई समझते हैं ना, ईएमआई बढ़ सकती है, इतना जान लीजिए। फरवरी 2020 में खुदरा महंगाई दर 5.3% थी, जनवरी 2022 में 6.1% पर थी। अब आरबीआई ने जो कैप लगाया उसके ऊपर चली गई। अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री एक समय में कहते थे कि अगर हमें
सच्चे अर्थों में देश को आगे बढ़ाना है तो किसी तरह का रोना धोना नहीं चलेगा। मगर क्या अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच नजरिया बदल चुका है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पहले दो बयान आपको सुनाता हूं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जरा ये दो बयान सुनिए देश के प्रधानमंत्री के। अगर हम सच्चे अर्थ में देश को आगे बढ़ाना चाहिए चाहते हैं तो कोई रोने धोने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, सब झूठ है मित्रों। इस देश के पास सब कुछ है। विपक्ष के हमारे कुछ साथियों ने यहां महंगाई का मुद्दा भी उठाया। अच्छा लगता, देश का भी भला होता अगर आपकी ये चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। ये दर्द उस समय भी होना चाहिए था। तो दावे और वादे, लेकिन वादों के इतर शोर हिजाब पर, महंगाई पर नहीं। सवाल यही कि आखिरकार ये चल क्या रहा है? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि महंगाई मुद्दा है कि नहीं है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया दिखा रही है कि हिजाब पर आज बवाल काट लो, कल कश्मीर पर बवाल काट देना, राहुल लाल एके मिश्रा को लड़ा देना, बीच में एक विंडो बना के दिखा देना वर्सेस। लेकिन एक हैरान करने वाली खबर महंगाई दर को लेकर है। क्या वाकई में जो बात एके मिश्रा जी मुझे समझा रहे थे कि चुनाव जीता इसका मतलब महंगाई भी भार गई, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने तो तिलक भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है कि मिश्रा साहब मेरे साथ पहले भी बैठ चुके हैं, पिछले 9 साल में मैंने और राहुल ने कितनी माथापोड़ी करी है महंगाई के मुद्दे पे, और राहुल गवाह है इस बात के और सारे दूसरे चैनल के एंकर गवाह हैं कि मैं कभी इस डिबेट से नहीं भागा हूं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि हमने विचारों का आदान प्रदान नहीं किया महंगाई के मुद्दे से। मैं आपको बोल ही नहीं सर डिबेट से भाग रहे, मैं ये कह रहा हूं कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब है ना, महंगाई की मार है, आम आदमी बेहाल है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हिजाब पर बवाल है कि नहीं सर? हाँ ठीक है, आपकी बात का सम्मान रखता हूं मैं चावला साहब, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा देश की डेवलपमेंट है और बाकी ये जो सारे मसले चलते रहते हैं, ये देश की महंगाई मुद्दा नहीं है, जिंदगी में चलते रहते हैं, महंगाई मुद्दा बड़ी बात नहीं है। मीडिया के लिए हो सकता है क्योंकि चारों तरफ से लोग बोल रहे हैं। नहीं, मीडिया के लिए कहां है मुद्दा? सर फरवरी 2020 में खुदरा महंगाई दर 5.3% थी, जनवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.1% हो गई। अब आरबीआई जिसका जिक्र किया जा रहा था, जो राहुल मुझे समझा रहे थे इतने दिनों से कि एक फिक्स कैप है, 6% से ऊपर नहीं जा सकते, अब वो भी पार कर गए आप। अब सुनने में आ रहा है चाय कॉफी सब कुछ महंगा हो गया, यहां तक कि बच्चों को मैगी नहीं खिला सकते आप, वो महंगी हो गई। तिलक भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, राहुल की बात बिल्कुल ठीक है, राहुल मेरे परम मित्र हैं और हमने बहुत विचारों के आदान प्रदान किए हैं। जहाँ पे हाँ बोलनी होती है वहां वो मेरी हाँ बोलते हैं और जहाँ पे गोली देनी होती है वहां गोली भी देते हैं। कोई इसमें कोई आज एके मिश्रा आपकी भूमिका नहीं निभाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा आज मिश्रा जी कभी भी मेरी भूमिका नहीं निभाते हैं। क्या बात, मिश्रा जी एक स्वतंत्र विचार के इंसान है, व्यक्ति है और वो हमेशा स्वतंत्र विचारों को प्रदर्शित करते हैं, मुद्दे पे हैं। मिश्रा जी के विचार यदि मेरे विचारों से उस माहौल में मिलते हैं तो वो मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे दिक्कत होती है वहां पे मिश्रा जी कटाक्ष करते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मुद्दे पर तो जहां तक मेरी भूमिका निभाने वाली बात है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि एक यहाँ पे मसला ये है कि देखिए आलू मैंने परसों 50 रुपए किलो खरीदे थे लेकिन आज आलू 40 रुपए किलो है और इसी तरह प्याज 36 रुपए थी अभी 32 रुपए है। तो आप देखें ये एक शेयर मार्केट की तरह प्राइस इंडेक्स फ्लक्चुएट कर रहा है।
तो जहां पे हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक महीने का या एक क्वार्टर के हिसाब से सर, वहां पे हमारी बैलेंस आउट डेली 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 इंडेक्स हो रहा है और डेली 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 इंडेक्स चेंज हो रहा है। आज का नंबर हो सकता है, राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एकदम दिक्कत वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही नंबर कल भी रहेगा दिक्कत वाला। सर आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब अपन ने परसों अपन ने चार दिन पहले एक डिबेट करी जिसके अंदर अपन कह रहे थे कि पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल के भाव अभी तक तो नहीं बढ़े। चलिए कोई बात, अगर आपको लगता है ये मेरी कामयाबी है, मैंने मुद्दे को उठाया और आप लोगों ने दाम नहीं बढ़ाया, तो फिर रोज मुद्दा यही उठाऊंगा, हिजाब नहीं उठाऊंगा। अब नहीं, बिल्कुल मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ हमेशा की आपका, आपकी खूबी है कि आप मुद्दे वही उठाते हो जो मुद्दा गर्म होता है। नहीं मैं और मैं आपके साथ उसी मुद्दे पे आता हूँ जो मुद्दा गरम नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप जैसे प्रवक्ता बहुत कम है, लेकिन मैं आप बात से जानना चाह रहा था। आपने बताया 50 रुपए आलू, अब 40 रुपए हो गया, 36 रुपए का आलू फिर 32 रुपए का हो जाएगा। प्याज 36 रुपए। अच्छा, आटे दाल के भाव जो है आपको पता चल गया सर। मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ बैठी है सर। तिलक साहब आप जरा धनिया बताना, पिछले नहीं धनिया फ्री में मिल रहा है अभी तक। अच्छा है ना, ये अपने सामाजिक सुधार की बात है। अच्छा एक सवाल पूछ लीजिए मैडम आपसे, पूछती है ये प्याज आज हमने 36 रुपए का खरीदा है वैभव भाई। ओके 36 रुपए का खरीदा है मैडम से। अच्छा मैडम आपने कहा मैडम आपके साथ बैठी है, मैडम से एक सवाल मेरा भी पूछ लीजिए। पूछिए वो आप घर में जो सिलेंडर आता है वो क्या भाव आता है। अब देखो आप महंगाई दर की कैलकुलेशन से सीधा आप सिलेंडर पे चले गए। अगर हो सके गाड़ी रोक लीजिएगा वैभव जी, हो सके तो सर, क्योंकि आपसे बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैडम से पूछिए सर एक बार प्लीज, एक मिनट गाड़ी रोकिए ना, लेफ्ट एक बार पूछिए मैडम से प्लीज। आप मैडम से पूछिए कितने का सिलेंडर आता है घर पे। ठीक रास्ते पे आ गए। अब आप महंगाई दर से 6.07% से महंगाई दर के अब आप सिलेंडर पे आ गए। क्यों? अब देखिए सिलेंडर क्यों, सिलेंडर मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है नहीं आप आज आप कह रहे कि सिलेंडर मुद्दा नहीं है। मैंने तो 2014 से पहले कई दिग्गजों को देखा सिलेंडर सर पर उठाते हुए, तब दाम मालूम है कितना होता था सिलेंडर का। लेकिन आज मालूम है आपको, आप कह रहे सिलेंडर पे बात मत करो, चलो नहीं करता। तिलक भाई अच्छा सर मैडम से, उस समय सिलेंडर की प्राइस आज के सिलेंडर से कहीं ज्यादा थी, लेकिन जो सरकार सब्सिडी दे रही थी हाँ। आज के सिलेंडर पे वो सब्सिडी नहीं है। अच्छा अब मैडम से ये पूछिए सर, साथ ओके ओके पूछिए 1000 रुपए का सिलेंडर, 1000 मैडम ने बताया ना 1000 का सिलेंडर, 200 रुपए आ रहे हैं। मैं उसको ऑप्ट कर सकता हूँ, 400 रुपए में अगर बैंक में लेता हूँ तो ले सकता हूँ, नहीं तो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ कि मैं वो रिफंड नहीं ले रहा सरकार से। अच्छा एहसान कर रहे हैं मतलब हम सरकार पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एहसान नहीं कर रहे, ये जनता की कंट्रीब्यूशन है देश की डेवलपमेंट पे। हाँ, ये जनता को चॉइस दी गई है। 200 रुपए का सरकार ने नहीं रोका है सर, 200 रुपए का पेट्रोल कर दीजिए, तो मत लो वैभव जी। तो फिर एक काम करिए ना सर, एक काम और भी हो सकता है, स्क्रीन पर लाइए वैभव जी को। वैभव जी मैं हूं यहां पे हूं जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, तो फिर एक काम करिए सर, एक लाइन लगवाइए पेट्रोल पंप के बाहर, पेट्रोल पंप के बाहर एक लाइन लगाइए। वैभव जी को स्क्रीन पर लाइए, मैं तो स्क्रीन पे ही हूं सर, एक मिनट, मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर ला रहे हैं। हाँ अब देखिए, अब आपका जबरदस्त फ्रेम आ रहा है। कांग्रेस वाले अक्सर भाग जाते हैं, कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाते महंगाई। अब महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करता हूं तो कांग्रेस वाले भाग जाते हैं। अब खैर वैभव जी एक काम करिए, पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए लोग आते हैं, आप वहां पर एक बोर्ड लगा लीजिए, राष्ट्रहित में राष्ट्रभक्ति का सबूत देते हुए 200 रुपए पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, फिर देखिए कितने लोग डलवाते हैं। अरे तिलक भाई ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मैंने पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, अब शौचालय के बाहर भी बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो मतलब वो जो दो पहिया शौचालय जाइए, जो जो जिस बेचारे की कोरोना में नौकरी चली गई, आपने बहुत अच्छी बात करी। जो ड्राइवर 8 से 10 से 12 हजार रुपए कमाते थे ओला उबर में, उन्होंने ही ड्राइवरी का काम किया पिछले 4 साल 5 साल में,
और वो 40,000, 45,000, 50,000 तक की महीने की तनख्वाह लेके गए। आज की तारीख में जो ड्राइवरों को नौकरी से निकाला गया था, मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आज भी अपने घर में भूखा नहीं मर रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से एक एग्जांपल दूं आपको, एक एनवायरनमेंट। मैं राहुल जी, राहुल जी प्लीज आपके पास आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा दिया आपने। कर रहे हैं वैभव जी, पूल से कमा रहे हैं, एग्जांपल दूं आपको। इसी तरह दूसरे सेक्टर से भी है वैभव, चाहे फिर वो सर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे फिर वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑपरेटर हो, चाहे वो ट्रकों के ड्राइवर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक बुकिंग हो, चाहे वो पेट्रोल डलाने के लिए। आज की तारीख में पेट्रोल, कई कंपनियां ऐसी हैं कि गाड़ी इमरजेंसी में पेट्रोल आपको घर पे देके जाएंगी, आप कहीं भी रास्ते में रुक जाए तो चले, पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में चलते थे, आज 40-50 किलोमीटर में भी चलते सर। सुन लीजिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो ओला उबर वाली बात आपने कही है ना, बिल्कुल सही कही है। एक उदाहरण के साथ, ए के मिश्रा जी आपकी इजाजत हो, राहुल जी मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मुझे एक मंजिल तक जाना था, मैंने फोन किया तो एक गाड़ी आ गई ड्रॉप करने के लिए। गलती से वो मेरा शुभचिंतक निकला, क्योंकि वो उत्तराखंड का वाक्य है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, देश के बाकी भाई आपके शुभचिंतक नहीं है क्या? नहीं, मैं आपको बता देता हूं सर, क्योंकि उसने गलती से मुझे पहचान लिया बिना मेकअप के भी। अब मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं, वो भाव बता रहा हूं आपको। सर कोरोना में उसकी नौकरी छिन गई थी, वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था, मैंने कहा कितने पढ़े हो, कह रहा सर MBA किया है HR, समझ रहे सर, कोरोना में नौकरी चली गई और वो ओला उबर चला रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि ये हमने विकास किया। अब तिलक भाई, हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक माहौल पैदा किया जहां पे रोजी रोटी नहीं रुकेगी जस्ट बिकॉज वो MBA HR है, इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, रोजी रोटी तो पहले भी चल रही थी, रोजी रोटी तो पहले भी चल रही थी सर। MBA करने वाला अगर ओला और उबर चलाएगा तो फिर सर बढ़िया है, फिर बढ़िया है। ओके सर, आपने बताया नहीं, मैडम से पूछा नहीं रिफाइंड कितने का है, रिफाइंड पूछा आपने, रिफाइंड कितने का आ रहा है आपका, रिफाइंड महंगा है या सस्ता है? रिफाइंड महंगा हो गया है, हमारे जो साथी हैं वो बता रहे हैं रिफाइंड महंगा। आप मैं अच्छा सरसों तेल पूछ रही है सर, एक बार मैडम से प्लीज, मेरी गुजारिश है मैडम से पूछे सरसों का तेल कितने का, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आप बीजेपी नेता, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैडम भी मौजूद हैं जो घर चलाती हैं, उनसे पूछे सरसों का तेल कितने का है प्लीज एक बार। मेरा सौभाग्य जाता है भाई साहब, नहीं तो अकेले होता तो जूते पड़ते लेट पहुंच के। नहीं, आप पूछ लीजिए ना मैडम से, एक बार पूछ लीजिए सरसों का तेल कितने का है प्लीज, मेरे लिए पूछ लीजिए। बोले तिलक चावला पूछ रहे सरसों का तेल कितने का, मैडम जी नमस्कार, सरसों का तेल काफी समय से खरीदा नहीं है हमने, बट आई थिंक जब लास्ट हमने खरीदा था वो तो आई थिंक 125 रुपए का शायद खरीदा था आप हमने। अच्छा एक बात बताइए, सर से पूछते हैं इतना महंगाई क्यों कर दी? महंगाई है, ठीक है पूछ के बता, पूछती हूँ मैं भी डिस्कशन करती हूँ इस बारे में, मैं भी उनसे एक डिबेट करती हूँ इस बारे में। अच्छा आप भी डिबेट करते हैं मैडम सर से? अच्छा घर में भी डिबेट होती है तो सर आपने सुना मैडम क्या? आप पूछिए नहीं, देखिए घर में नहीं, मित्रों में और सब में डिबेट होती है, और मैं कहता हूँ मेरे को मेरी ज्यादातर बातें घर पे और परिवार में लोगों से और मित्रों में इसलिए सुनी जाती है क्योंकि मैं जब जब डिबेट पे आता हूँ तब तक कोशिश ये करता हूँ कि यदि कोई सच्चाई है तो वो है। देखिए अगर रिफाइंड के ऑयल बढ़े हुए हैं, मेरे साथी मेरे को बता रहे हैं कि मेरे रिफाइंड के ऑयल बढ़े हुए हैं तो बढ़े हुए, गैस बढ़ी हुई है तो बढ़ी हुई है। लेकिन आप ये भी देखें, मैं अभी मेरठ से वापस आया, एलिवेटेड रोड है, मैं आशा करता हूँ कि हम सबने उस रोड पे सफर किया हो कभी, उसको बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? अगर हम सब्सिडी देंगे अच्छा, तो किधर से सड़क टैक्स बनेगी? आप रोड टैक्स नहीं लेते? एक घंटे में मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता हूँ उसका टैक्स नहीं लेते आप? लेते हैं ना, टोल टैक्स भी तो ले रहे हैं। और टोल टैक्स सर लगता है वो क्या लगता है, फ्री में लगता है सर, है ना सर? टोल टैक्स देखिए तो, ये एक चीज से गाड़ी का जो रोड टैक्स है, रोड टैक्स केवल रोड टैक्स है, उस हिसाब से तो फिर जो गाड़ियां रोड टैक्स देती हैं उन गाड़ियों पे, ओके उन सर डिस्कशन भटक रहे हैं, तो पेट्रोल पे भी टैक्स लेते हैं ना, पेट्रोल और डीजल पे भी तो टैक्स है, 30% कितना है? टैक्स लिया जा रहा है सर, पर किलोमीटर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जा रहे हैं भाई। टैक्स तो सर गरीब भी देता है और अमीर भी देता है, है ना सर? तो खैर ये कोई जवाब नहीं है सर, ये कोई जवाब नहीं है। ओके एके मिश्रा जी आपके लिए मैसेज आ गया, बोले थैंक यू सो मच एके मिश्रा जी, हम आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं। खैर अब मुद्दे पे आ रहा हूं मैं,
लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ आने वाले एक हफ्ते में ये नीचे आएगा ही आएगा। एक हफ्ते में नीचे आएगा, एक हफ्ते में सर नीचे आ जाएगा। चावला जी पीछे पॉलिसी चल रही है ना, थोड़ा संवाद करने दीजिए। अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद राहुल लाल आपके पास आ रहा हूं। देखिए आपने सवाल बड़े जेन्यून पूछे थे और वैभव जी ने उसको बड़ी होशियारी से घुमा दिया। वैभव जी ने बोला कि ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट करने वाली गवर्नमेंट है। राजनीति नहीं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं। जहां डेवलपमेंट होता है वहां पे सड़कें बनती रहती हैं, सारी चीजें होती हैं, ये ग्रो करती हैं। एक और है, महंगाई डीग्रो करती है सर। या तो ये बोल दीजिए डेवलपमेंट हो रहा है तो महंगाई में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके लिए ये फंडा है। डेवलपमेंट के पैरामीटर परिभाषा ये है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए। देश में जीडीपी बढ़ी है, नो डाउट, टैक्स कलेक्शन वगैरह बढ़ा हुआ है। अब मुद्दा ये है कि महंगाई को ये लोग बात नहीं कर रहे हैं और एक्चुअल इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग क्लेरिफिकेशन या डिस्कशन भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? ऐसा तो है नहीं कि सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती है। मैं नहीं मानता हूं कोई भी सरकार होती है महंगाई को बढ़ने नहीं देना चाहती है, बेरोजगारी को बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसके पहले जो चीजें सस्ती होती थी, देखिए महंगाई को सस्ता करने का, कंट्रोल करने के दो तीन टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। एक तो होती है सब्सिडी और टैक्स वगैरह हटा दीजिए। पिछली सरकारों ने सब्सिडी वगैरह को कंटिन्यू किया था, भले ही पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा रहा हो लेकिन उसका इम्पैक्ट हम लोगों तक नहीं पड़ता था। इसका एक साइड इफेक्ट भी था, साइड इफेक्ट ये था कि जितने हाईवे, रक्षा उपकरण ये होने थे, सरकार के पास बजट नहीं होता था, इसलिए वो उधर डेवलपमेंट जो है सफर कर रहा था। तो अब सरकार को ऐसा बैलेंस बनाना है कि नेशनल डेवलपमेंट और डिफेंस की जो परियोजनाएं हैं उस पे भी असर न पड़े और आम आदमी भी इतना न पिस जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा और हैरान करने वाला मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लोग इससे पीड़ित भी हैं, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं इस चीज को जो है चुनाव में वोट क्यों नहीं दे रही है बीजेपी के आगे? बीजेपी ने ऐसा ऐसी कौन सी भुट्टी पिला दी है कि पब्लिक ने जो है दरकिनार कर दिया, महंगाई के मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। मैं बताऊं एक मिनट राहुल, आपको क्या लगता है कि क्यों, अगर वाकई महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा था, तो फिर भी बीजेपी क्यों जीती? जो ए के मिश्रा जी से पूछ रहे हैं क्यों? नहीं देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ मुद्दा था और मुद्दा था भी, है भी और रहेगा भी। मैंने पहले भी कहा कि देखिए जिस तरह से विपक्ष ये मुद्दा बेअसर क्यों है? मिश्रा साहब देखिए बेअसर इसलिए है, विपक्ष इसको जिस तरह से, जिस ढंग से उठाना चाहिए था उस ढंग से नहीं उठा। देखिए आपको जनता विश्वास करती कि भाई ये मुद्दा का क्या, हम इस एक्स सरकार को चुन रहे हैं तो क्या वहां पे हमें समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिस आक्रामकता के साथ इसे उठाना चाहिए था उस आक्रामकता के साथ नहीं उठाया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए मैं सुन तो लीजिए, मैं आप सुन तो नहीं, मिश्रा साहब जब सुन लीजिए, आपने कुछ बड़ी अच्छी चीज कही, थोड़ा मैं उसमें कुछ चीजें संशोधन कर रहा हूं, कुछ उसमें जोड़ भी रहा हूं, कुछ आपके बातों को आगे भी बढ़ा रहा हूं। देखिए मैं दो तीन चीज कह रहा हूं कि देश में डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट और महंगाई के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मैं इस बात से, मिश्रा साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको महंगाई बढ़ाना पड़ेगा। दो तीन चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि सरकार जो है कि महंगाई कंट्रोल करे और अपने रक्षा बजट में कमी कर दे, सड़क ना बनाए। आप अगर आपको मुख्य चीज का जरूरत किस किस पर लगे, मिश्रा साहब एक सेकंड सुन लीजिए मिश्रा साहब, कोई रिश्ता नहीं, क्यों होगा? एक चीज मैं एक चीज कह रहा हूँ मिश्रा साहब, सुन तो लीजिए, बस सुन तो लीजिए, जरा सा मैं सुन तो लीजिए, हमेशा अपोजिट चलता है, सुन तो लीजिए मिश्रा जी, बिल्कुल सहमत, सुन तो लीजिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि सरकार अभी रोना रो रही है हमारे फंड नहीं है, हमें तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, हम डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाएंगे, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, तमाम तरह की चीजों का रोना सरकार रो रही है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपके पास अभी भी समस्या डिमांड का ही है, आपके यहाँ पे जो 2017 के आसपास से जो समस्या अर्थव्यवस्था में आई है वो डिमांड की आई है। आपको डिमांड बढ़ाने के लिए आपको निचले स्तर पर, आप सप्लाई साइड पर हमेशा मेहनत कर रहे हैं। बजट की बात हो रही थी मिश्रा जी, आपको याद है हम लोग बजट में साथी थे उस दिन, और आप बताइए कारपोरेट टैक्स में आप छूट कर रहे हैं, आपको इसके पहले भी याद है 1,45,000 करोड़ रुपए आप कारपोरेट टैक्स में पहले भी आप उनको छूट दे चुके हैं, उससे कितना इन्वेस्टमेंट पड़ा। अरे जब कंपनियां सप्लाई करने के लिए तैयार है, लोग खरीदार तैयार नहीं, उनके पॉकेट में पैसे नहीं है। आप लोगों के पॉकेट में पैसे डालिए, आपके अर्थव्यवस्था में गति आएगी, कंपनियां खुद उत्पादन करेंगी, फिर अपने आप रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो आप उल्टा चक्र क्यों सरकार चलाने में लगी हुई है? सीधा चक्र चला ले,
फिर अगर हमारे आपके सबके पॉकेट में पैसे होंगे तो सरकार के डायरेक्ट टैक्सेस में और वृद्धि होगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी वृद्धि होगी, तो आपको फंड का रोना भी नहीं रोना पड़ेगा। तो इसमें मिश्रा जी का वो बात तो सही है कि आपका महंगाई और विकास में कोई विरोधाभासी संबंध नहीं है, उसको उस रूप में ना देखा जाए कि हमें तो बिल्कुल देश का विकास करना है, हमें 1000 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल भराना पड़ेगा तभी देश का विकास होगा, ये अवधारणा ही गलत है। ओके, अब वैभव जी देखिए, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों आपने जो है इश्यूज को उठाया, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे वैभव जी, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अगर आप कह रहे कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हम जैसे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना सर, तो फिर ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर विकास हो रहा है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि विकास आएगा, लेकिन अगर 2014 में विकास भाई साहब पैदा हुए हैं तो विकास को बड़े होते होते ना कुछ समय लगेगा। अच्छा। मतलब पैदा होते ही अपन बड़े नहीं हो सकते, तो सबसे पहले तो वो एक सामाजिक तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन 7 साल में विकास, 7 साल का तो हुआ होगा ना सर, 7 साल का तो विकास हुआ होगा, सिर्फ एक इंसान का बच्चा है, 9 महीने लग जाते हैं भाई। एक मिनट वैभव जी, 2016 से आपके विकास को झटका लग रहा है, विकास आपका छोटा पड़ रहा है, 2016 सितंबर प्रथम तिमाही तक आपने जो उस समय तक देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ 9.2% का ग्रोथ रेट था, और 2016-17 में आपका ग्रोथ रेट 8.2% हो गया था, और वो उस समय से कोरोना काल से पहले तक ही वो गिरते गिरते 3% पे आ गया था, तो आपका विकास तो छोटा होता चला जा रहा था कोरोना काल से पहले ही। सबसे पहले आप देखिए कि भारत चाइना नहीं है, तो यदि चाइना की इंटरनल इकोनॉमिक्स जो है, सर मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि विकास अभी पैदा हुआ 2014 में और 2021 में वो कैसे दौड़ने लगेगा, यानी 7 साल हो गए, आपको कितना वक्त चाहिए अच्छे दिन आने में, अमृत काल में हम हैं, आप ये कह रहे कि नहीं, नहीं, दौड़ नहीं रहा, दिन तो आ चुके भाई साहब, तभी तो अभी अच्छे दिन है, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट आप मेरे को कहने देंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या सोच के कह रहा हूँ, ताकि अगर आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं सर, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है सर, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे, अगर विकास हो रहा है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? तो देखें, आप जहां तक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम इसको ठीक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 साल में भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, भारत में जो एनवायरनमेंट जिस गति से बना है, भारत में जो एक आत्मनिर्भर भारत होने की जो शक्ति जिस गति से बढ़ी है, आप देखें कि 2013 में 12 एम्स थे, आज की तारीख में 29 एम्स हैं हमारे पास। तो जहां पे मिश्रा जी कहते हैं कि महंगाई का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, देखिए अब मिश्रा जी का पॉइंट ना बहुत सटीक है और राहुल जी भी सही कह रहे हैं। सर मिश्रा जी आज विकास और महंगाई का अलग है, मिश्रा जी को अपने पाले में मत लाइए, आज मिश्रा जी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं, मैं अपने पाले में नहीं ला रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी दर, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, मिश्रा जी का गुनहगार बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने पाले में नहीं ला रहा हूँ, यदि कटाक्ष करना होगा तो आप करिएगा, यदि थपथपाना होगा तो आप थपथपाइएगा, मैं तो आप पे चॉइस छोड़ी है, आप जनता जनार्दन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एके मिश्रा जो है वो एक नोटेड एनालिस्ट है, राहुल जी एक नोटेड एनालिस्ट है, विशेषज्ञ है, आप एक नोटेड जर्नलिस्ट है, लेकिन आप तीनों में ही भारत के सिटीजन होने का भी एक दूसरा टोपी पहना हुआ है। आज ये मेरे मित्र हैं दोनों को मैंने अपने पाले में ले लिया, आज मैं बता रहा हूँ वैभव जी, मैंने दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों अच्छे बहुत, आज मैंने अपने पाले में ले लिया, मैं उस चीज को कभी नहीं भूलूंगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनता को जहां बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, विकास हुआ इतना बता दो, लेकिन वहां पे जनता को सर्विसेज भी उस हिसाब से मिल रही है, सर विकास हो रहा है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है मुझे बता दो, वो जनता को सड़क मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए, जनता का सबसे बड़ा पेन एरिया था हेल्थ केयर मिल रहा है जनता को, जनता का सबसे बड़ा पेन एरिया था मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं मिश्रा जी, वो सब जनता को मिल रहा है, मैं कह रहा हूं विकास हो रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग आज की तारीख में सरकारी अफसर घूस खाने से, देखिए विकास के जितने पैरामीटर है, कुछ पैरामीटर पे नो डाउट सरकार या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार जिस हिसाब से वोट हर तबके से लेती है, हर एरिया से लेती है, विकास का पाई चार्ट बनाइए तो उसमें कई सेगमेंट होते हैं जिसमें रोजगार का भी विकास होना चाहिए, महंगाई में डी ग्रोथ होनी चाहिए, हर तबके को संतुलित करके चलना भी सरकार का एक उत्तरदायित्व तो है। कुछ फील्ड में आप नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम 70 सालों में नहीं हुआ, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जनमानस की जो बात होती है, डे टू डे की बातें होती है, मुझे ये बताइए
विकास हो रहा है तो मैंने बोला विकास के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड परिभाषा के हिसाब से जब विकास होता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, चीजों के दाम सस्ते होते हैं। भाई साहब हो ही नहीं सकता, सर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इंडिया को आप किसी और कंट्री में बांग्लादेश क्रॉस कर चुका पर कैपिटल इनकम के मामले में, वैभव जी बांग्लादेश क्रॉस कर चुका है। सल्यूट है सर, सल्यूट है। देखिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स हैं, अच्छा सर मुझे एक एग्जांपल बताइए जहां चहुमुखी विकास हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रही है, मुझे बताइए कोई एक चीज, कोई एक डेवलप्ड कंट्री बताइए। अमेरिका विकसित देश है, वहां पे चीजें सस्ती हैं, क्यों है? ये सर रेशियो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि प्रोपोर्शनल है ये समझना है। रेशियो उसी तरह प्रोपोगेट हो सकती है और मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे घर, आप चारों एक शो करते हैं तिलक भाई मेरे दफ्तर से, अपन चारों लाइव बैठ के, अरे तो आज कर रहे हैं ना, आज बात करिए। गलत हूँ भाई, कुछ मामलों में सरकार बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है, मैं फैन हूं सरकार के विकास के उन कामों का, लेकिन बात अगर यह है कि डेवलपमेंट की डिफिनीशन के हिसाब से, अच्छा ये बताइए अब डेवलपमेंट हो रही है तो इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़नी चाहिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। डेवलपमेंट का एक असर यह होता है कि पॉपुलेशन कम होती है। नहीं 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 आप समझे नहीं भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस देश में 30 देश समाते हो उसको आप कौन से देश के अगेंस्ट में बेंचमार्क करोगे? मतलब ये मतलब 2014 के बाद की थ्योरी आपने बहुत सारे वैभव जी देखिए मैं तो देखिए मैं कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं जाता हूँ वैभव जी, मैं तो आप ही के कार्यकाल का जो बेस्ट खंड है मैं कह रहा हूँ आप ही के कार्यकाल में आप देख लीजिए ना, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि 2016-17 के फर्स्ट तिमाही का आप देख लीजिए, उस समय का सारे आंकड़ा उठा के देख लीजिए आप, उस समय का बेरोजगारी दर देख लीजिए, उस समय का आप महंगाई दर देख लीजिए, आप ही के सरकार के आपने बेस्ट परफॉर्मेंस किया उस टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया तो वो आप वहां से फिर हमेशा लगातार पीछे चल रहे हैं, तो आपके सरकार ने इसी जनसंख्या के साथ इसी तमाम चुनौतियों के बीच में आपने आपने उस समय किया, लेकिन आज के समय में आप फिर आपकी आर्थिक नीति गड़बड़ है आपकी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही पॉइंट बोला राहुल भाई, हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है और तब भी मैंने यही बोला था कि 2014 में जब सरकार आई, सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई और उसको एक एक जामा पहनाया, एक एक पूरे प्रोसेस फ्रेमवर्क में लिया, 15 तक हम वही कर रहे थे, सब्सिडीज इंक्रीज करी, लेकिन 16-17-18 में सब्सिडी एकदम धड़ान से नीचे आई, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा। थोड़ा फर्क नहीं पड़ा ना अभी उसके बाद तो देखिए आप जो भी कारण बताइए उसके बाद आप विकास के जो उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था वहीं से सीधे सीधे उल्टे गति में चलती हुई रही, आप उस जगह से आप सीधे सीधे देखिए आप उस जगह से फिर उसी समय से आप देख लीजिए बेरोजगारी की स्थिति, उसी समय से आप देख लीजिए महंगाई की स्थिति। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए वैभव जी छोटा सा एग्जांपल, वैभव जी एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर 12 एम्स थे, मैं एक ही सेक्टर की बात करूं हेल्थ केयर की और मैं एक ही स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूं कि यदि 2013-14 में 12 एम्स थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आज 29 है, तो क्या वो खाली चल रहे हैं क्या, उसमें रोजगार नहीं हुआ है क्या? क्या 2013 में 12 में ओला में कितने ड्राइवर थे, आज कितनी गाड़ियां सड़क पे चल रही है क्या? अरे सर ओला में नौकरी करना एक पैरामीटर नहीं है, अरे भैया ओला वाला मेट्रो शहर में चलती है, मैंने जनता की बात करिए ना, पूरे देश की बात, ओला वालों की कितनी गाड़ियां बिकी है, ओला उबर वालों की भी गाड़ियां बिक गई है, बैंक वाले उठा के ले गए उनकी गाड़ियों को। एक मिनट वैभव जी, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो परचेज क्यों नहीं बढ़ रही है, आप ये बताइए। एक मिनट, उपभोक्ता जो है वो ज्यादा चीजें, एक है मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन एक बात वैभव जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वैभव जी आम आदमी उसको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान है ना सर, EMI महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया, खाने का आटा महंगा हो गया है ना सर, तो इसलिए मैं नहीं मानता गाड़ी की EMI पहले
9.5-10.11% पे आती थी, आज 6.5% पे 5.5% पे है। उसी तरह घर की ईएमआई पहले 10-11% पे, मेरा हाउसिंग लोन 11.5% पे था, आज की तारीख में रिस्ट्रक्चर होके मेरा हाउसिंग लोन 8.5% पे है। और उसपे भी यदि घर महिलाओं का होता है तो 0.5% जो भी भाजपा शासित प्रदेश है उनमें 0.5% केंद्र सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन फीस पे मैं तो आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा था सर, आपने तो मुझे पेट्रोल वाली परिभाषा बता दी कि हमने भैया 120 लेकर गए पहले और फिर वापस ले आए 100 पर, और फिर आपने कहा कि देखिए 20 रुपए कम कर दिया हमने। मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने विकास किया तो ये बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ रही है? अगर आप इतना विकास कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ रही है? 2004 का है मेरा हाउसिंग लोन, 2004 का है 12.5%। सर आप गारंटी दे रहे हैं ना, मैं गारंटी ले लेता हूँ कि ईएमआई नहीं बढ़ेगी, ईएमआई नहीं बढ़ेगी, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। आपने कहा ना कि घर की ईएमआई नहीं बढ़ेगी, आपकी गारंटी ले रहा हूँ मैं, ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है फिर? आप कैसे, मैंने अभी क्या बोला? अपन देखिए, मैं और आप तो चलो ठीक है, आप प्रश्न करने वाले हो, मैं जवाब देने वाला हूँ। मैं हो सकता है गलत हूँ, आपके प्रश्न है, आप तो प्रश्नकार हो, लेकिन राहुल और मिश्रा जी तो दोनों एक विशेषज्ञ हैं मसलों के। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बेरोजगारी है कि नहीं है पटल पे यही रखी। सर आप एक सवाल को क्यों बोल कर रहे हैं? मैंने अभी अपनी बात पटल पे यही रखी कि देखिए, हो सकता है बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों में मैं ये देख रहा हूँ कि जब बाकी सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ रही है तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। तो बेरोजगारी आकलन का जो तरीका है हिंदुस्तान, अच्छा मतलब आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है? जो बदलाव आए हैं शायद उनको यदि हम इनकॉर्पोरेट करके देखेंगे तो शायद नंबर्स अलग आएंगे। मुझे एक उदाहरण चलते चलते मैं आपसे कह रहा हूँ, एक काम करिएगा सर, क्योंकि कार्यक्रम वाइंड अप करना है, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, उस रिसर्च में आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े दोनों मिलके करेंगे, आप बताएं ना, समय लगाना मैं लगाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट होते हैं ना, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का मेला, इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, जी जी, 4,000-4,000 रुपए की खाने की थाली आ जाती है, समझ रहे हैं सर? उस इन्वेस्टर मीट पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, समझिएगा मेरी बात को। और दावा किया जाता है, दो पेपर पर साइन करके फोटो खिंचवाते हैं साथ में उद्योगपतियों के साथ, हेलो हाउ आर यू, एमओयू होता है, फोटो एमओयू है ना सर, और फिर दिखाते हैं मीडिया को फोटो खिंचवाते हुए, हमने देखिए करोड़ों रुपए के, खरबों रुपए के एमओयू साइन कर दिए, तमाम उद्योगपति हमारे राज्य में आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है सर। कोई मुंबई में जाके करता है, कोई कोलकाता में जाके करता है, उसको बुला लो, उसको बुला लो, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता रहा ये जो करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है एमओयू के नाम पर, कितने उद्योगपति उद्योग लगाते हैं और कितनों को रोजगार देते हैं, वो आज तक मैं नहीं समझ पाया। वो यूपी के मुख्यमंत्री ने भी किया, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी किया, उससे पहले वाले मुख्यमंत्री भी करते थे, और उससे पहले वाले मुख्यमंत्री भी करते थे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस एमओयू की बात कर रहा हूं, right. जिस पे जितने साइन हुए कितना धरातल पर हुआ, किसी ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। राइट राइट, ऐसे ही आप लोग नौकरी जब जारी करते हैं ना सर, बता देते हैं 4.5 लाख हमने नौकरी दी, लेकिन ये नहीं बताते किस विभाग में किसे दी। उदाहरण के तौर पर रामू को नौकरी मिली, किस विभाग में मिली उसका नंबर जारी करिए, मैं रामू को फोन मिला के पूछूंगा तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली, समझ रहे मेरी बात सर? मैं गलत हूं, यस और नो? नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक है। तो सर उसको जारी करिए ताकि ये दुविधा जो है ना, आम आदमी के प्रश्न, हम जैसे पत्रकारों की दुविधा कम हो जाए। जब मेरे साथियों को हिजाबी मुद्दा दिखाई देता है, हिजाबी मुद्दा दिखाई देता है, तो मुझे भी हिजाबी दिखाई दे, समझ रहे मेरी बात? मैं महंगाई के मुद्दे को उठा ही ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा ही ना करूं, वो टॉपिक वहीं खत्म हो जाए। नहीं नहीं करिए ना, करिए, बहुत अच्छा है, ये आम आदमी के प्रश्न है सर। कहां जनता जनार्दन है? पब्लिक कह रही होगी कितना बोर कर रहे हो, क्या मुद्दा है महंगाई, कोई मुद्दा है? हिजाब पर चर्चा करो, मिश्रा जी हिजाब पर चर्चा करते हो कितना क्रोधित लगेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। मिश्रा जी आपका भी, राहुल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब फरवरी में 2020 में खुदरा महंगाई दर 5.3% थी, जनवरी 2022 में 6.1% थी, अब वो भी बढ़ गई, लेकिन विषय हिजाब है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।